ऑटो एक्सट्रीम पे स्वागत है दोस्तों। वेरना फ्यूडिक पेट्रोल है, 2013 का मॉडल है दोस्तों। और अभी दोस्तों इसमें पावर स्टेयरिंग हार्ड हो गया है। अभी गाड़ी स्टार्ट करते हैं। ईपीएस का सभी लाइट तो अभी कंप्लीट आ रहा है। इग्निशन पे गाड़ी स्टार्ट किया है। अभी आरपीएम आप देख सकते हैं, गाड़ी स्टार्ट है। लेकिन दोस्तों कस्टमर का कंसर्न है कि उसका स्टेयरिंग बहुत हार्ड है। वैसे भी बहुत हार्ड है दोस्तों, दो हाथ से घुमाने पर भी बहुत हार्ड है। अभी दोस्तों ईपीएस का लाइट नहीं आ रहा है, आप देख सकते हैं। मैं पूरा आपको क्लियर दिखाता हूँ। स्टेयरिंग हार्ड है, फिर भी ईपीएस का लाइट शो नहीं हो रहा है। लेकिन कभी कभी आता है कस्टमर का ऐसा बोलना कि कभी स्टेयरिंग का लाइट आ जाता है ईपीएस का। लेकिन अभी हमने सब कुछ खोल के रखा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अभी दोस्तों डायरेक्ट मैं आपको शो दे करता हूँ कि जो पावर स्टेयरिंग का सॉकेट है मोटर का, उसका बैक प्रॉप किया है और टेस्टिंग क्लैंप उधर रखा है दोस्तों। और अभी स्टेयरिंग घुमाते हैं दोस्तों दोनों साइड यहाँ पे, तो लाइट यहाँ पे शो रहा है दोस्तों। डायरेक्ट मैं उधर दिखा ब्रेक बैक प्रॉप इसलिए किया, फ्यूज़ व्यूज चेक नहीं करना है दोस्तों। यहाँ पे पावर आ रहा है, मतलब मॉड्यूल से भी कंप्लीट है, काम कर रहा है मॉड्यूल भी, सब फ्यूज़ व्यूज सब ओके है। इसका मतलब है जो बीच वाला सॉकेट है वहाँ पे आप देख सकते हैं, अभी पावर मॉड्यूल काम कर रहा है तभी उसका आउटपुट आएगा वहां से। मतलब पावर लाइन हमारा सब कंप्लीट है, ईपीएस का लाइट नहीं जल रहा है, आप देख सकते हैं। दोनों साइड राइट या लेफ्ट घुमाने पे लैंप हमारा जल रहा है, ठीक है। अभी दोस्तों देख सकते हैं गाड़ी चालू ही है, लेकिन स्टेयरिंग को पूरा राइट या लेफ्ट साइड घुमाने पे पूरा जब टर्न लगाते हैं तभी दोस्तों अभी ईपीएस का लाइट आ गया, आप देख सकते हैं ईपीएस का लाइट है। वैसे स्टेयरिंग भी जाम ही है पूरा, लाइट जल नहीं रहा था तब भी जाम था, और अभी लाइट आ गया है फिर भी जाम है। अभी दोस्तों वहाँ पे हम पावर उसका देखेंगे, जो आउटपुट सॉकेट है हमारा जो पावर स्टेयरिंग मोटर पे मोटर का, तो वहाँ पे बैक प्रॉप लगा के एक बार चेक करते हैं। अभी दोस्तों दोनों पिन लगा दिया है, बैक प्रॉप कर दिया है, पूरा प्रॉपर लगाना है, कांटेक्ट लूज नहीं रहना चाहिए। और यहाँ पे ईपीएस का लाइट भी जल रहा है। अभी दोस्तों स्टीयरिंग घुमाने पे वो हमारा लैंप है टेस्टिंग लैंप, वो नहीं जल रहा है, आप देख सकते हैं प्रॉपर बिल्कुल बंद है। मतलब जब एरर जनरेट हो जाता है तब मॉड्यूल से पावर बंद हो जाता है, बाकी एरर जनरेट नहीं होता है तब तक पावर आता है। मतलब दोनों केस में दोस्तों स्टेयरिंग हमारा हार्ड ही है, मतलब उसका मोटर का तकलीफ है। तो अभी हम उसका मोटर खोलेंगे, पूरा पावर स्टेयरिंग है वो अभी स्टेयरिंग को डाउन कर लिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं वाला उसका स्टेयरिंग का मोटर है, पावर स्टेयरिंग, टॉर्क कन्वर्टर भी सही है, तभी तो हमारा रिजल्ट आउटपुट आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने मोटर पूरा बाहर निकाला है। अभी दोस्तों उसको पूरा डिसमेंटल खोलेंगे एक बार, वैसे चेक कर लेते हैं। यहाँ डायरेक्ट बैटरी का पॉजिटिव और नेगेटिव देना है सॉकेट पे, और मोटर घूमना चाहिए दोस्तों, आपको दिखाता हूँ मैं। अभी दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव दे रहे हैं तो मोटर बिल्कुल नहीं घूम रहा है दोस्तों, मतलब मोटर में ही प्रॉब्लम है। तो पूरा अभी मोटर को खोल के देखते हैं प्रॉपर उसका प्रॉपर प्रॉब्लम क्या है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे ऊपर का जो हमारा मतलब पुली टाइप रहता है, जो उसको पुलर से निकालना है दोस्तों, मारना नहीं है पेचकस या हैमर वेमर से, क्योंकि ये डैमेज हो जाएगा, यदि आउट हो जाएगा तो प्रॉपर काम नहीं करेगा। तो इसका पुलर रहता है, पुलर से हम आराम से उसको निकाल सकते हैं। तो अभी पुलर से उसको निकालेंगे, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। अभी दोस्तों हमने ऊपर से वो निकाल लिया है उसका, अभी पुलर में फंसा हुआ है, ये पुली टाइप रहता है। वैसे ये उल्टा नहीं बैठेगा दोस्तों, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम देख सकते हैं। अभी दोस्तों पीछे दो स्टार एलिंग की स्क्रू दिया है, उसको खोलना है। वैसे टाइट था, हमने लूज कर लिया है। दो स्क्रू खोलना है और उसके बाद जो पूरा बॉडी है उसका वो बाहर आ जाएगा। आराम से दोस्तों खोलना है, डैमेज वैसे तो कुछ होगा नहीं, लेकिन ध्यान से। अभी दोस्तों वो निकाल लिया है, और यहाँ पे पूरा बॉडी उसका मैग्नेट अंदर बेयरिंग बैठता है पूरा गैप में, वैसे बिल्कुल फ्री घूमता है दोस्तों, कोई जाम भी नहीं है। ये थोड़ा अंदर बेयरिंग में पकड़ा हुआ उसका शाफ्टिंग है, उसको हल्के से
लगाएंगे तो आराम से निकल जाएगा, ज़्यादा लगाना नहीं है, ठीक है। तो वो पूरा उस कार में चरबार आ गया है, आप देख सकते हैं अभी दोस्तों उसका, यहाँ पे देख सकते हैं दोनों जो ब्लैक का मार्किंग किया, मतलब उसका जो कार्बन दो साइड पे घिसा है पूरा नहीं घिसता है। तो अभी उसमें प्रॉब्लम यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये उसका कार्बन प्लेट है, अभी चार कार्बन रहता है, अभी ये जाम है दोनों कार्बन, ये फ्री है ये भी फ्री है, आप देख सकते हैं बाहर आ जाता है कभी कभी नहीं, लेकिन वो कार्बन पूरा जाम है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं बाहर निकाला हमने, तो मतलब उसका जो कार्बन का कांटेक्ट है दोस्तों वो नहीं हो रहा था प्रॉपर, तो उसकी वजह से ये मोटर का बंद हो गया था। अभी वो कार्बन प्लेट भी निकालेंगे, दो स्क्रू रहता है नॉर्मल है सब, अभी पूरा उसको साफ कर देंगे और उसका जो कार्बन है उसको बाहर निकालेंगे, ऊपर दोस्तों लॉक रहता है उसको हल्के से पेचकस से खोलेंगे तो आराम से खुल जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आप प्रॉपर देख सकते हैं ऊपर हम पेचकस के उसको थोड़ा बहुत खोलेंगे तो वहाँ से हमारा जो कार्बन है वो हम बाहर निकाल सकते हैं, तो उसको हल्का सा फैलाना है, चौड़ा करना है, यहाँ पे देख सकते हैं ये कार्बन आराम से निकल गया। तो उसका दोस्तों आप साइज देख सकते हैं पूरा गोला है, मतलब राउंड हो गया है प्रॉपर, दोनों हिस्सा ही उसका घिसा हुआ है, ये स्प्रिंग रहता है कार्बन के पीछे, तो चारों कार्बन दोस्तों वैसे उसका घिसा हुआ हिस्सा हम थोड़ा उसको प्लेन कर देंगे फाइल से, और स्प्रिंग का सभी कंडीशन देख लेंगे, और पूरा अंदर कार्बन का जो हैमरी बोलते हैं ना, हैमरी आ गया है उसकी वजह से वो जाम हो जाता है, तो उसको पूरा लूज कर लेना है, ठीक है। तो अभी साफ सफाई कंप्लीट कर लेंगे और सभी कार्बन को अच्छे से साफ करेंगे दोस्तों। वैसे फाइल से हम देख सकते हैं उसका जो फेस है पूरा प्लेन कर लेना है अच्छे से, क्लीन करके स्प्रिंग सभी एकदम स्मूथ कर देना है और अंदर से सफाई कर लेना है, ठीक है। उसके बाद जैसे हमने खोला था वैसे ही लगा देंगे। अभी दोस्तों कार्बन लगा दिया है और ऊपर से हमने जो पेचकस से डिसमिस से उसको चौड़ा किया था, अभी उसको प्लायर से टाइट करेंगे ताकि कार्बन पूरा बाहर ना आ जाए। और वैसे दोस्तों कार्बन प्लेट पूरा नया मिल जाता है, लेकिन ये जुगाड़ है टेम्पररी, लंबा तो नहीं चलेगा, लेकिन यदि अच्छा है कि पूरा नया ही डाल दे, लोकल मिलेगा आपको आफ्टर मार्केट, अगर जेन्यून तो पूरा उसका मोटर ही लेना पड़ेगा, लेकिन ये हमारा टेम्पररी चल जाता है ऐसे। तो अभी उसको पीछे स्प्रिंग रखा और उसके बाद कार्बन को लगाया और उसको ऊपर से पेचकस के सॉरी प्लायर से टाइट कर देंगे, ठीक है, ताकि पूरा उसको बाहर ना आ जाए। तो अभी दोस्तों चारों कार्बन लगा देंगे और उसको अच्छे से दबा के उसका पूरा आर्मेचर है उसको लगा देना है, ठीक है। और दो डिसमिस से बोल्ट हमने खोला था उसको टाइट कर लेना है, और बेरिंग भी देख लेना है दोनों साइड का, चाहे हम रह गया तो चेंज करना पड़ेगा नहीं तो चलेगा। तो वीडियो लंबा नहीं करूँगा दोस्तों, अभी पूरा मोटर लगाएंगे कार में, एक बार वैसे चेक कर लेंगे बाहर ही। अभी दोस्तों जो उसका आर्मेचर है थोड़ा बहुत कार्बन अनइवन टाइप सरफेस कर दिया है, मतलब स्मूथ कर दे है पेपर से, पूरा स्मूथ पेपर उसके ऊपर लगाने से पूरा उसका सरफेस एकदम स्मूथ हो जाएगा और उसको अच्छे से क्लीन कर देंगे, ठीक है। अभी प्रॉपर दोस्तों कार्बन प्लेट भी लगा दिया है और उसका जो आर्मेचर है उसको भी अच्छे से ऊपर से लगा दिया है, और उसके बाद उसका हाउसिंग है उसको बिठाने, ये दोस्तों ध्यान रहे इसको लगाते समय बीच में उंगली बुंगली नहीं रहना चाहिए, क्योंकि पूरा वो खींचेगा जोर से तो यदि उंगली आ जाती है उसमें। फाइनल दोस्तों सब कुछ फिटिंग कर लिया है हमने और अभी बैटरी पे चेक कर लिया, आप देख सकते हैं कंप्लीट वर्क कर रहा है मोटर दोस्तों, ठीक है। तो अभी पूरा कार में लगाएंगे और उसके बाद देखते हैं। अभी दोस्तों कंप्लीट पावर स्टीयरिंग मोटर लगा दिया है, सभी सॉकेट भी लगा दिया है, अभी पूरा फाइनल कार चालू करके ही देखते हैं। अभी स्टार्ट हो गया है गाड़ी और दोस्तों आप देख सकते हैं उसका स्टीयरिंग बिल्कुल स्मूथ चल रहा है दोस्तों, पहले दो हाथ से भी ऐसे फील करने का है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं पूरा आराम से एक उंगली पे चल रहा है स्टीयरिंग, और अभी लाइट भी नहीं जल रहा है, तो मतलब हमारा प्रॉब्लम फाइनली सॉल्व हो गया है, ठीक है। चलिए थैंक यू दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।